दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फाइनली पूरी सेलिब्रिटी की तैयारी हो चुकी है कि सेलिब्रेशन किस तरीका से होगा करण और राजवीर के आने पर। लेकिन इस समय सौर्य दुखी होता हुआ नजर आ रहा है और उस चीज़ को नोटिस कर लिया है इस समय पलकी ने, क्योंकि दोस्तों पलकी प्यार करती है यहाँ पर, और जिस तरीका से पलकी प्यार करती है राजवीर से, वो चाहती भी यही है कि दोनों बाप और बेटों के बीच में सब कुछ ठीक रहे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि इस समय कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आश्चर्यित होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्दी ही यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नजर आने वाला है आखिरकार। आप लोग देख ही पाएंगे कि किस तरीका से करण बोलेगा कि अब मैं इस घर से विदा देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर निधि को विदा देगा, क्योंकि निधि को विदा देनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है, और करण का मानना भी यही है कि अब जब मेरी फैमिली किसी भी तरीका से यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो इस घर से विदा देने में ही फ़ायदा है। और ये विदा देने में फ़ायदा किस लिए है आप लोग जानते ही होंगे, जी हाँ, क्योंकि साथ ही दोस्तों आप लोगों को जल्द ही पता लगने जा रहा है कि एक और भी कहानी का दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर निधि का मानना ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अभी तो इस घर में वापसी आएगा कोई और नहीं, बल्कि आप लोगों के बीच में जल्दी ही वापसी आता हुआ नज़र आएगा एक नया शख्स। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का।